अलीगढ़ में रेलवे स्टेशन पर अवैध वसूली को लेकर भाजपा नेताओं का प्रदर्शन। कहा, पार्किंग के नाम पर रेलवे स्टेशन पर हो रही है अवैध वसूली। अवैध वसूली बंद नहीं हुई तो प्रदर्शन होगा। अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ कार्यवाही के लिए थानाध्यक्ष ने निर्देश दिया। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर जमकर हुआ प्रदर्शन। हमारे सारे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे माननीय संजू बजाज जी, मेरे वासी संजय शर्मा जी, सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। जो आम जनमानस को हानि पहुंच रही है, अवैध वसूली की जा रही है एक पार्किंग के द्वारा, जबकि कोई व्यक्ति अपने किसी रिश्तेदार को पिक एंड ड्रॉप करने आता है, अवैध वसूली की जा रही है। उससे आधे घंटे का टाइम दिया गया है, आधे घंटे तक कोई अवैध वसूली नहीं होगी। उसके अलावा जो छोटी छोटी दिक्कतें थी, आरओ वाटर बंद पड़ा हुआ है, उन सारे विषयों पर अधिकारियों से बात हुई है और अधिकारियों ने हमारी बात को माना है कि आपकी बात सही है और जो जो अनियमितता यहाँ पर है उनको सही कराया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया गया है। अगर अधिकारी इन आश्वासन को पूरा करते हैं तो बहुत बेहतर है, नहीं करते हैं तो हम आगे कदम बढ़ाने के लिए बाध्य होंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।